जिला हुशियारपुर विच पेंदे पिंड देवीदास दे गुरद्वारा साहिब अंदर हर एतवार बच्चों नूं गुरु घर अते बाणी नाल जोड़न लई क्लासां लाईआं जांदीआं हन। पिंड दी गुरद्वारा कमेटी दे इस काज लई सारे इलाका निवासी अते उत्थे ही देशां विदेशां विच बैठी संगत बहुत प्रशंसा कर रही है। उत्थे ही इन्हां क्लासां अंदर हर रोज़ बच्चों की गिनती वधदी जा रही है। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। सब तो पहला मैं अपने बारे दस दवा, मैं एक सिख कौम का प्रचारक होने के नाते एज ए जिला हुशियारपुर तहसील मुकेरी हाँ गुरद्वारा देवीदास विखे प्रचारक की सेवा निभा रहा हाँ। अते मैं जो इस बारे संस्थिया लिती गुरमंति ज्ञान मिशनरी कॉलेज में 2 साल की स्टडी की है। रहने वाला मैं हरियाणे का हाँ। अज की जो साड़ी गुरमुख की क्लास से हर ऐतवार की तरह लगाई जाती हैगी, जिदे वो तो बच्चों को उत्साह दे के बुलाया जाता वा। बच्चे वो तो इस क्लास के हर ऐतवार को गुरद्वारा साहब विखे आते बड़ी निम्रता के साथ नाल बैठ करके अपनी संथ्या लेंदे हन। नितनेम जाप अते कुछ बच्चे मुहारनी सीख रहे हैं, कुछ बच्चे हजे स्टार्टिंग कह लिए कि शुरुआती दौर के जिमें ऊड़े आड़े ते हैं। बच्चे बड़े सहज सुभा दे नाल वो सारिया चीज़ा क्लास के बैठ के सीखते हैं। इतने मैं बेनती करता जावा कि जिथे जिथे भी दास की यह वीडियो पहुँच रही है ज देख रहे हैं तो बेनती है कि उन्होंने बच्चों मापियां बच्चों कि आपू अपने इलाके जिथे गुरद्वारा है जिथे भाई जी थोड़े बच्चे संथ्या देंदे हैं नितने बारे जागरूक कराते हैं गुरबाणी गुर इतिहास दसते हैं। सो कृपा करके जिथे बच्चों भेजन तुम आप भी उत्थे जाओ और आप भी भाई जी के नाल बैठ करके विचार करो ता जो असी अपने इतिहास बारे अपने गुर इतिहास बारे जागरूक हो सकी साड़ी आने वाली जनरेशन इन चीज़ों बारे सिखा सकीए समझा सकीए। अज की जो गुरमति क्लास से अज का जो विशा से क्लास के उपर वो दशहरे का सी, जिस दे विच बच्चों ये समझाया गया गा यह सिखाया गया कि दशहरे का सिख कौम के अंदर कोई थान नहीं है, कोई संबंध नहीं है। पर जाने अणजाने दे विच साड़ी कौम दे विच साड़े प्रचारकां ने यह प्रचारिया जरूर है वा कि जो दशहरा वा एक सच के उत्ते झूठ की बराई है। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। बाबा जी सानू पाठ सिखाते हैं, उड़ेड़ सिखाते हैं तो गिनती सिखाते हैं। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। बेटा जी की नाम है तुहाडा? मेरा नाम हरकुन कौर है। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्वो निर्वैराकार मूरत अचुन्नी सेवन गुरप्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक कोसी भी सच सोचे सोचे न होवे जो सोचे लख वार चुपे चुपे न होवे हिलाए हाली उतार भुखे भुखे न उतरी जे बन्ना पूरियां पार सियां सियां पा लाख कोई ठी इक न चले ना किसी डरा होइए किफ्तूरे टुटे पार अकम जाई चलना नान की कहना। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। मेरा नाम गुरमन्नत कौर है। आज मैं एक शब्द बोलन जा रही हाँ। कोई भी ओकर बच्चिया नीरी आन न दिंदे जी, नाम दा गहना मने अपने चो लोन न दिंदे जी, नाल नाल चल दे नीरा पटकौन न दिंदे जी। सतगुरु प्यारे किसे दा पक्का वेख कदे नी कच्चा ढाई दा, गुरुआ ने है दस्या कि सदा वंड के खाईदा वे समझा मैं मन अंदरो सोची पाउंदे ने। सतनाम दा वाहे गुरु दा जाप कराउंदे ने, बंदे ता सुलझा के गुग बोलन लाउंदे ने।
सतगुरु प्यारे, सतगुरु प्यारे। जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। मेरा नाम हरपिंदरजीत सिंह है। मैनू जपजी साहिब ते रहरा साहिब अरदास आदि मूँह जवानी आते हैं। मैं अज तुहानू रहरा साहिब की चौपाई सुनावांगा। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। कबे उबाच बेनती चौपाई पातशाही दसमी अमरी करो हाथ दे रक्षा पूरन होए चित की इच्छा तव चरणन मन रहे हमारा अपना जान करो प्रतिपारा हमरे दुष्ट स्वै तुम कावो आप हाथ दे मोए बचावो सुखी बसै मोरो परिवारा सेवक सिख सबै कर तारा मोर अच्छा निज कर दे करिए सब बैरन को आज करिए पूरन होए हमारी आसा तोर भजन की रहे प्यासा तुम्हें छाड़ कोई अवर न त्याऊं जो बल चाहूं तो तुमसे पाऊं सेवक सिख हमारे तारिए चुन चुन शत्र हमारे मारिए आप हाथ दे मुझे उभरिए वर्ण काल का त्रास निवरिए। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। मेरा नाम मनवीर सिंह है। मैं अज गुरुद्वारे क्लास लवाउण आया हाँ। मैं अज तुहानू पंज प्यारियां दे नां सुनाउण जा रहा हाँ। भाई दयाल सिंह जी, भाई धर्म सिंह जी, भाई मोहन सिंह जी, भाई हिम्मत सिंह जी, भाई साहिब सिंह जी। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। गुण महक और सैनी वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भो निर्वैर काल मुरत जुनी सेवन गुरप्रसाद जब आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। नाम तो सुना डगी यार। एकमजोत सिंह अगे। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। एकमकार सतनाम करता पुरख निरपो निर्वैकार मूल जूली सगन गुर प्रसाद जब आ सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। मेरा नाम हरदीप सिंह। मैं अज एक ओंकार सुनाउण जा रहा हाँ। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरवो निरवै अकार मूर्ख जूनी साहब गुर प्रसाद। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। मेरा नाम हर्षप्रीत सिंह है। मैं पाठ सुनाउण जा रहा हाँ। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरपो निरवै अकार मूर्ख जूनी साहब पंग गुरु प्रसाद। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। मेरा नाम जसजीत है। मैं जपजी साहब बोलूँगा। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरपो निरवैर अकाल मूर्त जूनी साहब गुर प्रसाद जप आ सत जुगा सत हैप्पी सत नानक होसी पी सत। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। मेरा नाम तुषार अत्री है। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। मेरा नाम हरमन है। की नाम है मेरे पुत्र का? ए मैं हाथ मेरे को। अच्छा पूरा नाम की था अड्डा नाम है पूरा? ए मेरा मिट्टू आ। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। ते आज अपने इंडिया दे अंदर जाके लिए भारत दे अंदर 25 तरीक ठीक है जो कि ईसाई ईसवी कैलेंडर जा कह लें आप हिंदू मत के अनुसार अज दशहरा वा नौ नराते दसवां दशहरा ठीक है। पर दशहरा का मतलब की है? दश हैरा भाव के जोड़ा रावण से दसा सर वाला उन्होंने हराने वाला से जोड़ा राम उन्होंने प्रा विजय प्राप्त की जो हिंदू इतिहास कहता वा हिंदू इतिहास कहता वा जो उन्होंने इतिहास कहता वा। पर जदों आपां गुरबाणी नूं पढ़ते हैं गुरबाणी की रोशनी के गुरु की रोशनी के गुरबाणी पढ़ते हैं तो ये चीज़ सारी है जिहड़ी साडी गुरबाणी की कसवट्टी के उत्ते खरी नहीं उतरती हैगी क्योंकि जो साडी सानूं गुरबाणी कहिंदी गुरबाणी की रोशनी के जो असीं उह चीज़ परखदे हां तां मिथिहास जापदी काल्पनिक जापदी हैगी क्योंकि काल्पनिक क्योंकि जापदी क्योंकि जो इन्हां ने 33 करोड़ देवी देवते बनाए हैगे असल दे विच ओ एक कुदरत नियम के तहत सीगे। उन्होंने जिस तरह अग अग हैगी जंगलों जो अग लगती है सारा कुछ तबाह कर दिंदी है पानी है जो हड़ आउंदा गा वो सारा कुछ तबाह कर दिंदा
तूफान और सारा कुछ तबाह कर दिता। उन्होंने उसी उस दे तहत ही चीज़ों अपने देवतों के रूप के ढाल लिया ढालिया, क्यों क्योंकि जोड़े पुजारीवाद है या पुजारी वर्ग हैगा उन्हें आपकी रोटी पानी चलानी सी। रोटी पानी चला के तहत उन्होंने इन्हों बंद रूप देता भी इन्होंने अवतार कह लिया कि परमात्मा अवतार धर के धरती उत्ते आया गा। पर जो गुरबाणी पढ़ते हैं तो गुरबाणी कहती भी कोई अवतार नहीं है, सिर्फ सिख जो परमात्मा एक ओंकार के पहले पाशा ने बड़ा सोहना समझाया वा एक ओंकार भी परमात्मा एक आगा। उसने सृष्टि साजी हैगी, साज के उस आप विराजमान आगा। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभउ निरवैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुरप्रसाद। पर जदों आप गुरबाणी पढ़ते हैं सानू समझ आती हैगी, पर यह भी कहा जाता कि जो झूठ हैगा भी उन्होंने साड़ दिता जाता है वा सच की हमेशा जित होंगी हैगी। पर सोचे भी कि सच की तो कई जाने अनजाने भुलेखा भी रह जाता कि गुरबाणी अनेक थावान राम कृष्ण जो उस समय नाम प्रचलित सके गुरु साहब ने उन्होंने नाम वरते आ। उदाहरण देख के फिर उन्हें समझाया भी है कि कीड़ा राम हैगा, राम ना कि दशरथ वाला राम आ, उत्थे राम का अर्थ उत्थे है रमया होया। भगत नाम जी अपनी बाणी के कृष्ण का जिक्र किया वा, हुण कृष्ण का मतलब है गुरबाणी के अनुसार वह दृष्टांत दे के कि जिदा द्वारका का कृष्ण करता हुंदा सी भाई तुसी भी उदा कर सकते जिदा वह नाम जपदा सी लोगों उपदेश दिंदा सी, ठीक है तुसी भी उदा कर सकते हो, तुहाडे अंदर भी वह चीज़ है, वो अकाल पुरख वाहिगुरु की जोत विराजमान है। पर यह नहीं क्या भी जो कृष्ण ने किया वा उत्थे वो तुसी भी करो, नहीं वो सिर्फ एक उदाहरण तौर पर है। उदाहरण दे के भगत नामदेव जी ने गुरु साहब ने अपन समझाया वा 246 साल का समा लगा के जिहड़े बूटे नूं तैयार किया सीगा, ठीक है पर किते ना किते अज साडे अंदर वो बूटे जिहड़ी जड़ हैगी वह सुकदी जांदी है। अज आपां नूं दशहरे बारे सारयां नूं पता गा कि हरि सिंह नलवा बारे पता वा आपां नूं, महाराजा रणजीत सिंह कौन सी इहदे बारे पता आपां नूं, पंज हथा निधान सिंह जरनैल कौन सी इहदे बारे पता आपां नूं, नहीं क्योंकि सानू चीज़ा परोसिया गई ने ना। जब जिदा आप कहते भाई अज सच की जित हुई अज दिन उन्हें रावण नू मारा तो उन्होंने सीता लैके आदि घर आया, पर नहीं क्योंकि जो गुरबाणी पढ़ते तो गुरबाणी रावण की बड़ी उपमा की गई है क्योंकि उत्थे दर्शाया गया उत्थे समझाया गया कि आप सीधे शब्दों में कहीए तो रावण उत्थे इंसाफ दवाया गया कि देखो कितना बड़ा महान बंदा सी, एक विद्वान बंदा सी क्योंकि वो मूल निवासी सीगे इथों दे जिन्हां नूं राक्षस कह के साडे सामने पेश किया गया ते जिन्होंने पेश किया वो आर्या समाज से भाव बाहरले देशों तो आके इत्थे बसे सन। उन्होंने साडी जिहड़ी सभ्यता साडी जिहड़ी संस्कृति सी उहनूं खत्म किया। जेकर अज दे समें दी गल करिए तां अज भी साडे उत्ते उही चीज़ है पर उहदा रूप बदलवा वा। अज असी अपनी माँ बोली नूं भुलदे जा रहे हां, सानू इस कुछ चीज़ां चेते रहे, सानू साडे जिहड़े त्यौहार ने गुरपुरब ने सानू साडे शहीदां दे नाम नहीं चेते, पर सानू दशहरा याद रहिंदा, राम याद रहिंदा, रावण याद रहिंदा, उहदे किन्ने पुत्र सी उह याद रहिंदे ने। उहदा रीज़न की आ, रीज़न ये है भी सानू वो चीज़ां परोस दित्तियां अगलिया ने, साडे सामने पेशकारी इस तरह की की है कि असी वो ऐटोमेटिक साडे अंदर वो कर कर गई चीज़ा जो साडे जरनैल सी साडे शहीद सी साडे बजुर्ग सी जिन्हां नूं असीं अपनी जिंदगी विच रोल मॉडल बनना सी उन्हों भुल चुकियां सी, असीं उन्हां नूं छड्ड के रोल मॉडल उन्हां नूं चुन लिया वा जिहड़े साडे कदे है नहीं सी जां जिन्हां नूं असीं कदे अपनाउणा नहीं सी, जिन्हां दा गुरु साहिबान ने सख्त विरोध किया सी भाई तुसीं इहनां दे मगर नहीं लगना, तुसीं इहनां नूं नहीं मनना, पर असीं गुरु साहिब दे उस सिधांत नूं छड्ड करके उन्हां नूं मन्निया जिहड़ा साडा कदे रोल मॉडल नहीं बन सकता सी। असीं उन्हां नूं चुणिया जिहड़े हमेशा ही सिक्खी नूं खत्म करन दीआं सोचां चालां चलदे रहिंदे ने क्योंकि जिहनूं जो चीज़ असीं देखदे हां साडे दिमाग दे अंदर उह चीज़ घर कर जांदी है। जिहड़ी चीज़ असीं वारी वारी देखी जावांगे वारी वारी सुनी जावांगे कन्नां दे नाल उह चीज़ एक दिन साडे उत्ते हावी हो जांदी है।
ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਸਹਿਰੇ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਰਾਮ ਨੇ 14 ਸਾਲ ਦਾ ਬਨਵਾਸ ਕੱਟਿਆ ਵਾ। ਬਨਵਾਸ ਕੱਟ ਕੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਰਾਵਣ ਉਹਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਲੈ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ, ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵਾਨਰ ਸੈਨਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਰਾਵਣ ਉਹਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਕਿ ਰਾਮ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਰਾਮ ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਕਿ ਰਾਵਣ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਰਾਮ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਘਰਵਾਲੀ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਗਿਆ ਵਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਹਨੂੰਮਾਨ ਦੀ ਪੈਰ ਕੱਢਦਾ ਗਾ, ਹਨੂੰਮਾਨ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਹਨੂੰਮਾਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਲੈ ਕੇ ਆ। ਫਿਰ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਜਾਵੇ ਨਾ ਕਿ ਪੱਖ ਇਹ ਵੀ ਬਣਦਾ ਵੀ ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਹ ਰਾਵਣ ਤਕੜਾ ਹੋਇਆ ਰਾਮ ਨਾਲੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈਗੀ ਉਹ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਕਾਲਪਨਿਕ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ, ਰੀਅਲਿਟੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈਗੀ। ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਸੱਚ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ, ਝੂਠ ਹਾਰ ਗਿਆ ਵਾ। ਹਾਰਿਆ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਵਾ, ਪਰ ਹਾਰਿਆ ਕੀ ਉੱਥੇ ਜੋ ਅਸਲੀ ਸੱਚ ਸੀ। ਸੱਚ ਕੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਰਾਵਣ ਇੱਥੋਂ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਇਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਅੜਿਆ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜਿਆ। ਉਹ ਰਾਵਣ ਨਾ ਕਿ ਲੰਕਾ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਇੱਥੋਂ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀ ਰਾਜਾ ਸੀਗਾ ਇੰਡੀਆ ਦਾ, ਦੱਖਣ ਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਲੰਕਾ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕੁਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਕੋੜਾਈ ਝਟਕਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਵੀ ਨਿਕਲਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਵਾ। ਤਾਂ ਕੁਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਕੋੜਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਮੁਲਕ ਹੈਗਾ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੇ ਭੁੱਖਮਰੀ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰਾਵਣ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਹੁੰਦਾ, ਸੋਨੇ ਦੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਥਾਂ ਮਿਲਦੀ ਹੋ ਜਿਹੀ, ਅਸੀਂ ਸਰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਆਲੇ ਜੋ ਸਾਡਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ, ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅੰਨ ਉਗਾਉਣਾ ਸਿਖਾਇਆ, ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸਿਖਾਇਆ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜੋ ਆਰਥਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਉਹ ਚੱਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈਗੀ। ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਜੇਕਰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਮ ਦੇਖੀਏ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਵਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦੇ ਸਿੰਗਲਾ ਦੀਪ ਮਿਲਦਾ ਵਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਵਣ ਦੀ ਲੰਕਾ ਕਹਿ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਕਾਲਪਨਿਕ ਜਾਪਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਉਹ ਥੱਲੇ ਪੁਲ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਰਾਮ ਸੇਤੂ ਪੁਲ ਬਣਾ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਜੈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਨਹੀਂ, ਜੇਕਰ ਮੰਨ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਇੱਕ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਸਰੋਤ ਨਹੀਂ ਆ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਲਪਨਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਬਣਾ ਲਿਆ ਵਾ ਆਪਦੀ। ਪਰ ਸਾਡੀ ਤਰਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡਾ ਅਸਲੀ ਇਤਿਹਾਸ ਵਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਿਥਿਹਾਸ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਵਾ। ਅਸੀਂ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਨ, ਕਿਲ੍ਹੇ ਸਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਉਸਾਰ ਲਏ, ਸੰਗਮਰਮਰ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਪਰਤਾਂ ਚੜ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਕਿ ਅਨੰਦਪੁਰ ਦੇ 5 ਕਿਲ੍ਹੇ ਸਨ, ਪਰ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 5 ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਿ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਾਂਦੀਆਂ ਨੀਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਉਹ ਨੀਹਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਜੋ ਜਾਈ ਦਾ 2 ਜੋਤਾਂ ਨੇ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ, ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ 40 ਸਿੰਘ ਲੜੇ ਆ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਰ ਅੱਜ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਉੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਉਸਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ। ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਰਵੇ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਇੱਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਖਸਤਾ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸੀਗੀ, ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੂੰ ਜੋ ਉੱਥੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਨ, ਸਿੱਖਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪਾਈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਨੇ ਖਸਤਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹ ਕਰਕੇ ਭੰਨ ਤੋੜ ਕਰਕੇ ਨਵੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪੌੜੀਆਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਵੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਪੌੜੀਆਂ ਉੱਤੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਉੱਤਰੇ ਅਤੇ ਚੜ੍ਹੇ ਹਨ, ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਖੋਜੀ ਉੱਤਰੇ ਚੜ੍ਹੇ ਹਨ, ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਖੋਜਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਪੌੜੀਆਂ ਤੋਂ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪੌੜੀਆਂ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜੇਕਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਿ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣੀ ਇਮਾਰਤ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈਗੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਨਵੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਝੱਟ ਮਿੰਟ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਭੰਨ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂਗੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਸਨ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮਿਹਨਤ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹੱਡ ਗਾਲ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਦਸਵੰਧ ਲਾ ਕੇ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ। ਅਸੀਂ ਬਸ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਹਥੌੜੇ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਭੰਨ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ।
ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਨਾ ਕਰ ਸਕੀ ਉੱਥੇ ਕੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਾਂ ਕੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਬਸ ਮਾਮੂਲੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਕਿ ਜੋ ਸਾਨੂੰ 84 ਵੇਲੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਜ਼ਖਮ ਸਨ, ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ 84 ਵੇਲੇ ਜ਼ਖਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਅੱਜ ਟਾਵਾ ਟਲਾ ਜ਼ਖਮ ਸਾਨੂੰ ਦੀਂਦਾ ਵਾ, ਪਰ ਬਹੁਤਾਤ ਉਹ ਜ਼ਖਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਭਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਜ਼ਖਮ ਜ਼ਰੂਰ ਨੇ, ਪਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨਿਆਂ ਤੋਂ ਉਹ ਜ਼ਖਮ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਕਿ ਉਹ ਵਿਰਾਸਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਕਿਸੇ ਰਾਈਟਰ ਨੇ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਲਿਖੀ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ 5 ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਪਹਿਲਾ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸ਼ੇ ਉੱਤੇ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਦੂਜਾ ਉਹਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਤੀਜਾ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਖੋਹ ਲਵੋ, ਚੌਥੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਖੋਹ ਲਵੋ, ਪੰਜਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਵੱਸਥ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈਗੀ ਡਾਕਟਰੀ ਲਾਈਨ ਉਹ ਖੋਹ ਲਵੋ। ਅੱਜ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਝਾਤ ਮਾਰ ਕੇ ਵੇਖੀਏ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ 5 ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈ ਕੀ? ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਾਣੀ, ਨਾ ਸਾਡੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਧੀਆ, ਨਾ ਸਾਡਾ ਨੌਜਵਾਨ ਵਧੀਆ, ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡਾਕਟਰੀ ਲਾਈਨ, ਅਤੇ ਨਾ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ। 5 ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਖੋਹ ਲਈਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ 5 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਅੱਜ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਸੰਨ 1947 ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੁੰਦਾ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ 5 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਹੋਂਦ ਖਤਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਈ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਆਈ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੇ ਰਾਵਣ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਕਰਕੇ ਇਸ ਥਾਂ ਨੂੰ ਹੜੱਪਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਈ ਕਿ ਹੜੱਪ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਹੋਂਦ ਦੀ, ਸਾਡੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੀ, ਪਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹਟਾ ਕਰਕੇ ਦੂਜੇ ਮਸਲੇ ਉੱਤੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਸਾਡੇ ਅਸਲੀ ਹੱਕ ਨੇਗੇ ਉਹ ਨਾ ਮੰਗ ਸਕੀਏ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕਿ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਕੌਣ ਸੀ, ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੌਣ ਸੀ, ਰਾਜਗੁਰੂ ਕੌਣ ਸੀ, ਜਾਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੌਣ ਸੀ? ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ? ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅਸਲੀਅਤ ਹੱਕ ਨਾ ਜਾਣ ਸਕੀਏ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਜਾਣ ਸਕੀਏ ਕਿ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਗੂ ਸੀ, ਲੀਡਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਸਾਡੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੱਚ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਅੱਜ ਦਿਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੁਸਹਿਰਾ ਵਾ, ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਾਂ ਉਸੇ ਗੱਲ 'ਤੇ ਆਉਣਾ, ਦੁਸਹਿਰਾ ਵਾ। ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ 10 ਹਰਾਂ ਵਾਲਾ, ਕਿ 10 ਸਿਰਾਂ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਵਣ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਤਾ ਵੀ, ਪਰ ਮਾਰਿਆ ਕਿਹਨੇ ਹੈ? ਰਾਮ ਨੇ ਮਾਰਿਆ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਭਵਿੱਖ ਨਾ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਇਹਦੀ ਧੁਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੀਰ ਮਾਰ, ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਾਵਤ ਜੱਚਦੀ ਨੇ ਕਿ ਗਰਕਾ ਵਿਧੀ ਲੰਕਾ ਹਟਾਏ, ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਘਰ ਦਾ ਬੰਦਾ ਭੇਤੀ ਨਾ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਆਗੂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੀਡਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਗਦਾਰੀ ਨਾ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਜ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੁਣ ਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ, ਉਹੀ ਉਹੀ ਗਦਾਰੀ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਰਾਵਣ ਦਾ ਰੂਪ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿੱਤਾ ਨਾ, ਵਿਖ ਦਾ ਰੂਪ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿੱਤਾ ਵਾ। ਹੋਣਾ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ ਫਿਰ? ਕਿਉਂਕਿ 84 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਇੱਕਜੁੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 5ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ, ਤਾਂ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਝੰਡੇ ਹੇਠ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ, ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਨੇ ਇੱਕ ਕੌਮ ਨੂੰ ਝੰਡੇ ਹੇਠ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ। ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਝੰਡੇ ਹੇਠ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਕੀ ਹੈ? 84 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਝੰਡੇ ਦੇ ਹੇਠ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਝੰਡੇ ਹੇਠ ਇਕੱਠੇ ਨਾ ਹੋਈਏ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਕੰਮ ਸਾਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਆਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹੀ ਨੇਗੀਆਂ, ਕੰਮ ਉਹੀ ਵਾ, ਬਸ ਕਰਨ ਦਾ ਢੰਗ ਬਦਲਿਆ ਵਾ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ, ਤਰੀਕਾ ਸਿਰਫ ਬਦਲਿਆ ਵਾ।
पर काम अज भी उही है, क्योंकि साढ़े अंदर आप कह दें देखने सरदार लगता किरपान पाई अमृतारी है, पर जो किरदार उ निगाह मारी तो किरदार पक्षों आप कह दें सरदार नहीं हो सकता, क्योंकि पाशाह कहते हैं कि जेकर तू तो सरदारी देखनी हमेशा पहरावे तो नहीं किरदार तो देखो दे उसके करैक्टर तो देखो दे जीवन तो देख तेन भेखी सरदार अज के समय के बड़े मिल जाएंगे। जेकर तू तो सच्चा सिख सरदार देखना तो तेन पहला अपने आप को यह जहा बना पवेगा, फिर तू यह जहा देख सकता वा, फिर तू दूजे बंदे भी वह जहा अपने वांगू बना सकता वा। पर अज साडे अंदर की है, असी सिर्फ कहते कहाण वाले हाँ, अज असी एक दूजे बोलन वाले हाँ कि असी खुद नहीं करने वाले है, क्योंकि जेकर असी अपने आप कर लिया तो फिर असी सरदार नहीं, क्योंकि सानू उदा लगता ना कि असी सरदार ही हैंगे सरदार बंदे हाँ, भावें कृपान पई है पग बन्नी है, पर असली किरदार साढ़े समय उदों आउंदा वा जदों असी किसी मुलजम की राखी करते हैं, किसी उत्ते अत्याचार होंदे नूं रोकते हैं। नौवें पाशाह ने बड़ा सोहना कहा है पै कहूं को देत नह पै मन त्यान, कि ना तो किसी नूं पै देना वा अते ना ही किसी का पै चलना वा। पै का मतलब डर, कि जेकर कोई धक्का करता धक्का सहना भी नहीं है तो धक्का किसी उत्ते करना भी नहीं है। वो किरदार वो सरदारी वो साढ़े अंदर होनी चाहिए हैगी, वो आऊगी किस तरह जो असी गुरबाणी पढ़ांगे, पर पढ़ते तो असी रोज़ है ना, पढ़ते कद वास्ते सिर्फ दिखावे वास्ते, अपने लिए नहीं सिर्फ दिखावे वास्ते पढ़ते हैं। हुण अनेक थावां ते अखंड पाठ साहिब सधारण पाठ लोग अपने घरां विच भी करते, पर कदे वास्ते कुछ पाउण वास्ते ना कि उन्हें समझण वास्ते। गुरबाणी सीगी जीव समझ के पढ़ो ते इहनूं अपने जीवन दे विच ढालो, पर असी करन कुछ उल्ट लग रहे हैं, क्योंकि जो सुना पढ़ते एक अंग पढ़ते हैं, पर हुण समझो कि गुरु साहिब ने ये लिखिया की हैगा। 1430 अंग ने गुरु ग्रंथ साहिब जी दे, पर 1430 दे मैं जो मेरा सोचना मेरा मनना जेकर असी एक ओंकार या कला मूल मंत्र समझ लिए तो शायद साड़ी जिहड़ी लाइफ है सौखी हो सकती है। जिन्हें एक ओंकार का मतलब समझ लिया वह 1430 पन्ने भी समझ सकता वा, 1430 अंग भी समझ सकता वा, तो जिन्हें एक ओंकार का मतलब ना समझा फिर वह भावें जिन्ना मर्जी सहज पाठ करी जाए उन्होंने एक भी समझ नहीं आनी, क्योंकि समझ करके असी उन्होंने अपने जीवन के ढालना वा, ढाल करके फिर असी उत्ते चलना वा। नितनेम करने का मतलब यह नहीं है कि असी बस पंज बाणियां पाठ कर रहे शाम सुधर कर ली, नहीं उहदा मतलब यह है कि तैनू हमेशा चेता रहे भी ये चीज़ां करनियां ने तू रोज़मर्रा जिंदगी दे विच, उत्थों सिक्ख्या लैनी है। पुराने समय दे विच गुरु घर भावें कच्चे सन पर सिख बड़े बड़े पक्के इरादियां वाले सन, क्योंकि उन्हां गुरु ते भरोसा सी, जो कहिंदे सी उह करदे सी, कहिणी ते करनी दे पूरे सन। पर अज असी उल्टा वा, असी कह सकदे पर करनी दे पूरे नहीं है कदे भी, क्योंकि जे असी कहनी करनी पूरे हो गए तो फिर सानू समाज में रहन नहीं ना देना किसी ने भी, यह भी गल नाल ही है ना, कहते हैं कि सच्चे बंदे ने जिहड़े उस समाज में घट ही विचरते घट ही रहन देंदे उन्होंने झूठा बोलवाला। इस करके असी भी जिथे जाने जो जी बोलबाणी उह जिहा आप बोलबाणी बना लीए उह जिहा भेस धार लैंदा, पर नहीं। गुरु साहब कहते हैं कि जेकर तू हरिद्वार जाना पांड्या कोल जाना वा तो तैनूं पता होना चाहिए कि तू उत्थे आपदा उपदेश किस तरीके दे नाल देना वा। जेकर तू मुसलमानां दे कोल जाना काबे विच जाना वा तो तैनूं पता होना चाहिए तेरा भेस किस तरह का होना चाहिए, तेरी गल करन दा तरीका किहो जिहा होना चाहिए वा। जेकर तू सीधा जोगी दे कोल जाना उहनां नाल विचार गोष्ठी करदा वा तो तेरा बोलन दा तरीका किहो जिहा होना चाहिए वा, उहनां नाल सवाल जवाब किस तरह के होने चाहिए ने।